राजनांदगांव के डोंगर गांव में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसमें परिजनों की हत्या की आशंका जताई है और थाने में मामला दर्ज की जांच कराने की बात कही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले छापी हेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम धुआं खेड़ी में एक व्यक्ति की लाश मिली थी। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया मृतक के परिजनों ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर के मंजूरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना मंजूरपुर में हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है। कल रात्रि में गांव मुबारकपुर के एक परिवार के कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी 8 वर्ष की बच्ची शाम से गायब है। तत्काल कार्रवाई करते हुए वह परिवार को साथ में लेते हुए गांव में कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि उस गाँव का ही रहने वाला है, उसके साथ शाम के समय बच्ची को आखिरी बार देखा गया था। उस व्यक्ति को तत्काल पुलिस के द्वारा कस्टडी में लेते हुए उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ करने पर यह सामने आया कि उसके द्वारा बच्ची को गला घोट के मार दिया गया था। उसी की निशानदेही में शव को बरामद किया गया है। व्यक्ति को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य सभी विधिक कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की जाएगी।